नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बोबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मगध संवाद के खास कार्यक्रम बिहार समाचार में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। बिहार समाचार में हम हर तरह के खबरों को आपके बीच लेकर आते हैं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आइए जानते हैं बिहार की पहली खबर। योगी का गुस्सा नीतीश पर उतारा। मंत्री मुकेश सहनी बोले, एनडीए में हमारी कोई पूछ नहीं, अधिकारी मंत्रियों की सुनती ही नहीं। सुबह सीएम की मीटिंग छोड़कर विधानसभा से निकल गए थे। आपको बताते चले कि विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को एनडीए की बैठक का बहिष्कार कर दिया। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक में उनको छोड़कर बाकी सभी सहयोगी पार्टियों ने नेता मौजूद रहे। सहनी विधानसभा के पीछे की गेट से बाहर निकल गए। वह उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगाने देने की पर नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मौजूद रहे। एनडीए के घटक दल में शामिल हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी भी मौजूद रहे। बैठक का बहिष्कार करने के बाद मंत्री सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वह यूपी में नहीं दिखा, योगी जी ने गलत किया, इस वजह से एनडीए की बैठक का बहिष्कार कर रहा हूँ। एनडीए में है तो सबकी बात सुननी चाहिए, हम सरकार के साथ हैं, सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। मंत्री सम्राट चौधरी के बीजेपी सरकार वाले बयान पर मचा बवाल। कृषि मंत्री उतरे समर्थन में, कहा कोई गलत बात नहीं कही। जदयू के संजय सिंह बोले, 2015 याद है ना? आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के बयान को लेकर सोमवार को बवाल मच गया है। सम्राट ने रविवार को बयान दिया था कि 2025 में बीजेपी अकेले सरकार बनाएगी। बीजेपी के कुछ नेता जहां इस बयान पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं तो कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने गलत नहीं कहा है, हर पार्टी अकेले अपनी सरकार बनाना चाहती है। वही जदयू इस बयान के बाद भड़क गई है। जदयू MLC और प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने सम्राट चौधरी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संजय सिंह ने कहा है कि सम्राट चौधरी को यह याद कर लेना चाहिए कि बीजेपी 2015 में जब अकेले लड़ी थी तो उसका हाल क्या हुआ था। जदयू उपाध्यक्ष ने कहा है कि सम्राट चौधरी को अगर कुछ भी कहना है तो वह अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने चुना है। सम्राट चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं और उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए। विधानसभा और परिषद शोक प्रस्ताव के बाद हुआ स्थगित। मानसून सत्र के पहले दिन काला मास्क पहनकर पहुंचे विपक्ष के विधायक। हेलमेट पहनकर और बजाने को झाल लेकर आए MLC सतीश चंद्र दास। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को हुई। विधानसभा और परिषद में शोक प्रस्ताव के बाद दोनों सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विपक्ष के विधायक काला मास्क पहनकर विधानमंडल पहुंचे। वे सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे। राजद विधायक सतीश दास हेलमेट पहनकर पहुंचे। वे हाथों में झाल, हाथों से बजाने वाला एक तरह का बाजा कहा जा सकता है, लिए हुए थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को झाल सौंप देंगे। उधर विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही परंपरा के मुताबिक शोक प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद मंगलवार तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। परिषद में भी विपक्ष के सदस्य काला मास्क पहनकर पहुंचे थे। आपको आगे बताते चले कि विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सीएम नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में पहुंचे। यहां उन्होंने स्पीकर विजय सिन्हा से मुलाकात की। इसके बाद विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के चैम्बर में गए। सभापति ने बूके देकर सीएम का स्वागत किया। सरकारी IAS IPS अफसरों के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? पटना हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने सभी DM SP से मांगी है जानकारी। बड़ी खबर शिक्षा विभाग से है, जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले IAS IPS अफसरों के बच्चों की जानकारी मांगी है। शिक्षा विभाग के सभी DM SP को रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। पटना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर सरकार हरकत में आई है। इस मामले में मुख्य सचिव 4 अगस्त को इसकी समीक्षा करेंगे। शिक्षा विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की बच्चों की पढ़ाई के संबंध में जानकारी मांगी है। पटना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के DM और SP को पत्र भेजा है। शिक्षा विभाग के पत्र में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा कौशल किशोर ठाकुर बनाम बिहार राज्य मामले में 13 जुलाई 2021 को अंतरिम न्यायिक पारित किया गया है। उसमें राज्य में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा तथा श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 के पदाधिकारियों के कितने बच्चे सरकारी प्राथमिक एवं अन्य विद्यालयों में
अध्ययनरत हैं के संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्देश के अनुपालन में मुख्य सचिव 4 अगस्त 2021 को सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक कर समीक्षा करेंगे। इधर आपको यह भी बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी डीएम और एसपी से कहा है कि पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में राज्य संचालित प्रारंभिक एवं अन्य विद्यालयों में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा तथा श्रेणी एवं तथा श्रेणी दो के पदाधिकारियों को बच्चों के अध्ययनरत होने के संबंध में विस्तृत विवरण तैयार करने की कार्रवाई अपने स्तर से प्रारंभ करें। इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया जा रहा है। विशेष अभियोजक की नियुक्ति को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका हुआ दायर। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति दंड प्रक्रिया संहिता प्रावधानों के अनुसार ही किए जाने के लिए एक रिट याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है। यह याचिका पटना के जिला बार एसोसिएशन द्वारा एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिन्हा द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि संहिता की धारा 24(8) के अनुसार सरकार वैसे व्यक्ति की ही विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है जो कि अधिवक्ता के तौर पर 10 वर्षों से अधिक की वकालत करने का अनुभव रखता हो। रिट याचिका में सहायक अभियोजन पदाधिकारी, अनुमंडलीय अभियोजन अधिकारी व जिला अभियोजन अधिकारी अन्य इस प्रकार के पदों पर नियुक्ति रोकने के लिए निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। 19 पंचायत इकाइयों की चयन प्रक्रिया रद्द करने की अनुशंसा। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से वंचित करने का है मामला। इधर आपको बता दें कि छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग सख्त मुद्रा में है। जमुई जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से आग्रह किया है कि चकाई प्रखंड की सभी 19 पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग व चयन प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। इन नियोजन इकाइयों ने विशेषकर झारखंड के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में सुनियोजित तौर पर बाहर रखा है। साथ ही समुचित नियोजन प्रक्रिया को खारिज करते हुए नए सिरे से कराने का आग्रह भी किया है। 20,000 वरीय शिक्षकों का वेतन कनीय से भी है कम। 10,000 माध्यमिक शिक्षकों को मिल रहा है प्राथमिक से भी कम वेतन। 37,000 शिक्षक वेतन विसंगति के हैं शिकार। विसंगति दूर करने के बाद बढ़े 15% वेतन। माध्यमिक शिक्षक संघ ने किया है खास तौर से मांग। राज्य में स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थानों के तकरीबन 37,000 माध्यमिक शिक्षक वेतन विसंगति का शिकार हैं। इसमें तकरीबन 10,000 माध्यमिक शिक्षक ऐसे हैं जिनका वेतन विसंगति की वजह से प्राथमिक शिक्षक से भी कम वेतन मिल रहा है। 15,000 से 20,000 माध्यमिक शिक्षक ऐसे हैं जिनका वेतन अपने से कनीय शिक्षकों से भी कम है। इसके साथ ही तकरीबन 10,000 माध्यमिक शिक्षक ग्रेड पे के चलते वेतन विसंगति के मार को झेल रहे हैं। रिटायर्ड कर्मियों के लिए सुनहरा मौका। एक वर्ष के लिए संविदा पर मिलेगी नौकरी। प्रमोशन बाधित होने से बड़ी संख्या में हो गए हैं खाली पद। आपको बताते चले कि सरकारी सेवा के रिटायर कर्मियों के संविदा पर नियोजन के लिए सुनहरा मौका है। एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन होगा। सरकार का मामला है कि कोविड संक्रमण एवं इसकी दूसरी लहर तथा उच्च विकास कार्यों को ससमय पूरा करने की प्रतिबद्धता के कारण सरकार के प्रशासनिक ढांचे का बोझ बढ़ गया है। कर्मियों को लगातार हो रही सेवानिवृत्ति के कारण यह कार्य बोझ दिनों पर दिन बढ़ते जा रही है। सामान्य प्रशासन से जारी संकल्प के में कहा गया है कि राज्य सरकार के राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मी बड़ी संख्या में 1 अप्रैल 2020 के उपरांत सेवानिवृत्त हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश से सरकार में प्रोन्नति को कार्रवाई बाधित है। सेवानिवृत्ति एवं प्रोन्नति के कार्रवाई को बाधित करने के फलस्वरूप विभिन्न सेवाओं में एवं संवर्गो के प्रोन्नति के पद बड़ी संख्या में खाली हो गए हैं। मंत्री से मिलकर स्कूल खोलने की किया गया मांग। बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर डीके सिंह, उपाध्यक्ष एस एम सोहेल, सचिव मनन कुमार के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात कर 10वीं से नीचे की कक्षाओं में पढ़ाई शुरू करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया। साथ ही स्कूल संचालकों ने मंत्री से आईटीई की राशि जल्द मुहैया कराने की बात कही। मंत्री ने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि विधानसभा सत्र के बाद 10वीं के नीचे की कक्षाओं में पढ़ाई शुरू करने पर विचार किया जाएगा। सरकार जल्द से जल्द शिक्षा का अधिकार आईटीई की राशि स्कूलों को भेजने के लिए तैयार कर रही है। इससे उनकी जरूरतें पूरी होगी। आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।